उल्लासनगर शहर में धोखादायक इमारतों के विषय में नीत नए संगठन और संस्थाएं उल्लासनगर के निर्माणों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ महानगर पालिका इन निर्माणों को उध्वस्त करने के लिए कोई मौका छोड़ नहीं रही है। आइए लेते हैं इस पर पूरी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। मैं एडवोकेट राज चांदवानी, स्वच्छगिरी फाउंडेशन फाउंडर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे उल्लासनगर शहर में स्ट्रेस भरा माहौल चल रहा है। आए दिन हमें पता चलता है कि फलाना बिल्डिंग का स्लैब गिर गया और इतने लोगों की मृत्यु हो गई, हज़ारों लोग जो है बेघर हो चुके। इस फील्ड में, इस मुद्दे में हमारी संस्था ने, स्वच्छगिरी फाउंडेशन, हमारी टीम ने काफ़ी लंबे समय से लोगों की मदद की है और हम अभी भी अपनी लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। हमारा कहना यह है कि धोखादायक इमारत वासियों के लिए ट्रांजिट कैंप बनना चाहिए, उनको रीएलोकेट करना चाहिए, बिल्डिंग तोड़ने से पहले उनको दूसरी जगह उनको अकोमोडेशन देना चाहिए, सरकार को मुआवजा भी देना चाहिए कम से कम लाखों रुपए, ताकि वो अपना लाइफ का गुजारा जो है कर सकें। इस फील्ड में हमारी संस्था ने काफ़ी सारे मोर्चे निकाले थे, लीगल मीटिंग्स करके लोगों को लीगल नॉलेज दिया और काफ़ी सारे लेटर्स इशू किए थे, बहुत काम किया है। और हमने अब जो है धोखादायक इमारतों में जाकर उनके कागजात देख के उनको फ्री एडवाइस हम दे रहे हैं, और ये हमने शुरू किया है अभी। मोहिनी पैलेस जो है, आपने देखा था कि जो स्लैब गिरा था और काफ़ी सारे लोग बेघर हो चुके थे, बहुत सारी फैमिलीज़, उनके हमने डॉक्यूमेंट्स देखकर उनको सलाह दी, फ्री एडवाइस दी, जिसका हम कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। और ये हमने स्टार्ट किया है, 45 बिल्डिंग्स अब तक हमने विज़िट की हैं। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी चाहते हैं हमारी संस्था आपके पास आए, और आपको भी अगर हमसे लीगल एडवाइस लेनी है, आपके कागजात दिखाने हैं, निशुल्क सेवा जो हम कर रहे हैं, अगर आपको भी मदद चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें हमारे एनजीओ के नंबर पे, जो नंबर है 937-035-1313। हम लगातार इस फील्ड में मेहनत करते आ रहे हैं और हम ज़रूर एक दिन जो है मुकाम जो है हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर घी टकासेर खाजा, ये बचपन से हम लोग कहावत सुनते आते थे, उल्लासनगर में आज वो साबित हो रही है। हम लोग देख रहे हैं, इसी का एक दुकान है उसको भी नोटिस दी जा रही है, इसी का एक मालिक का घर है उसको भी नोटिस दी जा रही है। यहाँ पे 7-8 लोग ऐसे आए हैं जिनका बैरक है, उन बैरक को भी नोटिस दी गई है, तो बैरक का स्ट्रक्चरल ऑडिट कैसे कराएगा? जो 70 साल पुराना बैरक है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट वो कैसे कराएगा? यहाँ पर उनको, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, हमारी टीम जो एक डिस्कशन करती है आपस के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय ने जो सुओ मोटो दाखिल किया हुआ है, जो संज्ञान लिया हुआ है, उच्च न्यायालय को दिखाने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी ये समझना चाहिए, हमारे उपस्थित पत्रकारों को भी हम अपील करना चाहते हैं कि उल्लासनगर की जो सत्य स्थिति है वो न्यायालय तक पहुँचाई जाए। हमारे वकील उस चीज़ में लगे हुए हैं, PIL डालने के बारे में भी हमारी चर्चा शुरू है। 1300 स्ट्रक्चर, 1300 बिल्डिंग, 1300 क्या है क्या नहीं है, उसकी लिस्ट तक उल्लासनगर महानगर पालिका ने अभी तक वेबसाइट पे प्रकाशित नहीं की है। कौन से इंजीनियर से वो स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है वो तक उन्होंने प्रकाशित नहीं किया है। बस 15 दिन के अंदर आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का है। खुद उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं कराया है, खुद उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना प्रॉपर्टी रेगुलराइज कराए, लीगलाइज कराए, उसके बाद लोगों को ज्ञान दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा हमको लगता है। उल्लासनगर के महानगर पालिका के अनुसार जो उन्होंने लेटर दिया है, उस लेटर के अनुसार उन्होंने खुद लिख कर दिया है कि उल्लासनगर के 1300 स्ट्रक्चर को उन लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए लोगों को बोला है, और उन्होंने यह बोल दिया है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट आपको कराना है, परंतु उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया लोगों को कि कौन से इंजीनियर से करवाना है, कौन प्रशिक्षित इंजीनियर है, कौन तज्ञ इंजीनियर है। उन्होंने अभी तक, महानगर पालिका ने आज 21 तारीख तक कोई इस तरह की जानकारी प्रकाशित नहीं की है। लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए आज हम लोगों ने एक बैठक करने के हिसाब से, लोगों में अफरा तफरी न मचे, एक दूसरे से चर्चा हो, इस वजह से आज हमने काजल मूलचंदानी जी हैं यहाँ पे, मीनल चंदानी जी एडवोकेट हैं यहाँ पे, संदेश मुकुणे जी आए हुए हैं, हमारे दिलीप शर्मा जी इंजीनियर हैं, सरिता खानचंदानी मैडम हैं, और सभी पत्रकार बंधु, श्रीहरि कॉम्प्लेक्स के दुकानदार, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि हम एक चर्चा करके एक इसका कुछ निचोड़ निकाल सके, लोगों का पैनिक खत्म हो, इस वजह से हम लोग आज चर्चा करने के हिसाब से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
देखिए इस समय सबसे जरूरी है अपने शहर को बचाना। टीओके ने वो काम चालू कर दिया है और हमारे पैनल पे जो भी आर्किटेक्ट्स है वो आपकी मदद करने के लिए हाजिर है नॉमिनल चार्जेस पे। मैं पूरे शहरवासियों को ये गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द इनको संपर्क करें और ऑडिट रिपोर्ट कराना बहुत आवश्यक है। बगैर ऑडिट रिपोर्ट के हमारी महानगर पालिका में वो कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट कराना अति आवश्यक है, उसके बाद ही निर्णय कर पाएंगे कि आपकी इमारत या मार्केट रहने लायक है, व्यापार करने लायक है या उसमें कारोबार या रहना नहीं हो सकता है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट कराना अति आवश्यक है और मैं टीओके की तरफ से आप शहरवासियों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि टीम ओमी कलानी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय काफ़ी बिल्डर्स ऐसे आएंगे जो आपको औने पौने दामों में आपके फ्लैट से आपके दुकान डिलैपिडेटेड बिल्डिंग बोल के खरीदने की कोशिश करेंगे, तो कृपया उनके झांसे में ना है। टीम ओमी कलानी हमारे कलानी परिवार शहरवासियों के साथ नागरिकों के साथ साथ है और जो रिपोर्ट में आएगा उस अनुसार आगे की प्रक्रिया हम प्रशासन से शासन से जो भी है लाएंगे। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, अपना ऑडिट रिपोर्ट जरूर करा के लें। धन्यवाद जी। धोखादायक इमारतों का जिस तरीके से मुद्दा है तो इसमें जो है प्रशासनिक निर्णय आने में जो है देरी हो रही है, लेकिन जब तक राहत मिल सके ताकि घटनाएं रुक सके किस तरीके के प्रयास जो है टीओके द्वारा किए जाएंगे? देखिए कल की जो महासभा थी ऑनलाइन आपने उसमें देखा होगा, बाकी लोगों ने भी देखा कि किस तरह से मैंने इस मुद्दे को लखवे दीजिए पर उठाया। पहली बात तो जो पैनल कारपोरेशन की तरफ से बनाया गया है उसी में ही देरी हुई है। कारपोरेशन ने 15 दिन का नोटिस दिया है और पैनल बनाने में 12 दिन लगा दिए, तो 3 दिन में किसको रिपोर्ट मिलेगी, कैसे चेक करेंगे, क्या रिपोर्ट आएगी वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली हमारी ये डिमांड रहेगी, हमारी डेलीगेशन ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में आयुक्त से मिलने वाली है और इसके लिए जो 15 दिन का जो समय दिया है उसको बढ़ाने के लिए तत्काल हमारी मांग रहेगी, उसके ऊपर आगे निर्णय लिए जाएंगे। पीओके ने जो वादा किया था कि हम ये एक आर्किटेक्ट जो रहेंगे और जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स रहेंगे उनका एक पैनल बनाया जाएगा जो आपको मिनिमम टाइम के अंदर आपको स्ट्रक्चर की रिपोर्ट देगा, आपको किस तरह से आपकी इमारत को रिपेयर करना है वो रिपोर्ट देगा और जो रेट्स रहेंगे वो भी बहुत मिनिमम रहेंगे, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज रेट रहेंगे। जैसे आम शहरवासी है जो भी इन इमारतों में रहता है वो इन दिनों में वो रेट भर पाएं और अपने दुकान मकान घर को पूरी तरह से रिपोर्ट करा पाएं और उसकी स्टेबिलिटी जान पाएं। तो इस रेट को पहले ये जो पैनल था उसमें सिर्फ एक नाकवा जो डोंबेली के रहने वाले थे वो एक ही था। टीम ओमी कलानी की तरफ से डिमांड गई, आयुक्त ने उस बात को माना और वो पैनल को ओपन सबके लिए इन्विटेशन किया और 15 लोग हमारी जानकारी के मुताबिक उस पैनल पे आए हैं और उसमें से काफ़ी लोगों को नए पैनल के ऊपर लिया गया है, जिसका हमने एक पैनल बनाया। 8 ऐसे आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं जो शहर के हैं और कुछ शहर के बाहर हैं, उनसे हमने बात करके हर चीज़, एक तो टाइम बाउंड और एक रेट मिनिमम होना चाहिए वो हमने बात की है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पहले तो हमारी कोशिश है कि 15 दिन का और समय मिले और उस 15 दिन के समय में आप लोगों को सिर्फ इतना करना है अपने जान माल की रक्षा के लिए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए आपको इस जो हमारा टीओके जनादेश का हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क करना है। आप जैसे ही संपर्क करेंगे आपको उन 6 से 8 जो भी हमारे पैनल के ऊपर आर्किटेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उनके नंबर्स आपको मिलेंगे, आपको उनको किसी पे से भी संपर्क करना है और टीम ओमी कलानी का आपको उनको रेफरेंस देना है, उससे अपनी बिल्डिंग की विजिट करवानी है और जल्द से जल्द आपको अपने बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल रिपोर्ट कारपोरेशन में सबमिट करनी है और आगे उस पर किस तरह से उसको रिपेयर करना है या उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करनी है वो आपको ये जो पैनल के ऊपर जो भी हमारे महानुभव है वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। पहले तो लोग बहुत गुस्से में थे, बहुत दुखी थे। अभी अभी लॉकडाउन पीरियड 2 साल चला है और दुखदायक बिल्डिंग के लिए जो 15 दिन का टाइम दिया गया है ऑडिट करने के लिए स्ट्रक्चर को, सबसे पहले तो टाइम बढ़ाया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा और ये काम महानगर पालिका को खुद करना चाहिए क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। आज लोगों की इतनी हालत ख़राब है कि उनको खाने को वांदा है, इतनी तकलीफ़ है, मेंटेनेंस भी नहीं बढ़ सकते। तो ये महानगर पालिका को एक रिक्वेस्ट है कि पूरे शहर की ऑडिट खुद करावे। गरीबों की हालत बहुत ख़राब है, इतनी सारी बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं हो सकती है और मेरी पालक मंत्री से विनती है छिंदे साहब से कि आप ऐसा कानून लाइए कि माड़ा SRI सिडको को दीजिए कि उनको FSI बढ़ के मिले और लोगों को
जितना घर है उतना ही मिलना चाहिए। अगर बिल्डर नहीं है तो टैक्स के हिसाब से उनको घर मिले, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि बिल्डर परेशान कर रहे हैं लोगों को, या बिल्डर नहीं है या उसकी डेथ हो गई है, तो टैक्स के हिसाब से उनको घर दिया जाए। बहुत लोगों की कन्वेंस नहीं है, 100 रुपये पे स्टैम्प पेपर पे बिल्डिंग बनी हुई है, ये उसी टाइम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने गलती की है, जो 2 माले का FSI है उन्होंने 5 माला बनाया, 7 माला बनाया, वो महानगर पालिका को पहले ही देखना चाहिए था। चलो ठीक है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका को आगे आना चाहिए। और मेरी एकनाथ शिंदे साहब से, पालक मंत्री से विनती है कि इस शहर के लिए एक ऐसा रेजोल्यूशन लाइए कि माहड़ा को आगे लाइए, सिडकों को आगे लाइए, कि लोगों के घर बचे और उतनी एरिया के लोगों को घर मिले। कम से कम लोग दुआएं देंगे, बहुत हालत ख़राब है, और जो लॉकडाउन है उसके वजह से, और जो महंगाई हो चुकी है, इतने दाम हर चीज़ के बढ़ चुके हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, कहाँ रहेंगे, मंदिर में कहाँ रहेंगे, किधर रहेंगे, किधर जाएंगे, बहुत हालतें ख़राब है। इसलिए मेरी पालक मंत्री से विनती है कि मेहरबानी करें, उल्लासनगर शहर जो पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए थे, उल्लासनगर में आए थे, आज लगता है इनको फिर उल्लासनगर छोड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ गई है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा रास्ता निकाले महानगर पालिका और पालक मंत्री, इस शहर का भला हो। अनेक दिग्गज होऊन गेले इथे, पण कोणी काम नाही करू शकलं, ते काम आमच्या बोडारे साहेबांनी करून दाखवलं आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा बोडारे साहेबांचे खूप खूप आभार।